खास मुलाकात प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। यह है हमारे पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर भारत भूषण आशू जी, जिन्होंने अपनी मेहनत व लगन से एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो कई राजनेताओं के लिए मात्र एक सपना बनकर रह गया है। तो आइए मिलवाते हैं आपको भारत भूषण आशू जी से और पूछते हैं उनसे कुछ तीखे और मीठे सवाल। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। जी धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले आप ये बताइए, आप इस पॉलिटिकल लाइन में कैसे आए, आपको कितना इंटरेस्ट था इस लाइन में आने के लिए? कुछ चीज़ें एक्सीडेंटली हो जाती हैं। जब मेरे मदर फादर एक्सपायर हुए तो मैं 19-20 साल का था, तब एकदम से परिवार की जिम्मेवारी आ गई और साथ में पढ़ाई बीच में छूट गई, सोशल सर्कल डेवलप होना शुरू हो गया क्योंकि फादर पहले ही सोशल सर्विस करते थे तो लोग वैसे ही आते रहे, तो एक्सीडेंटली इस फील्ड में आ गया। आगे इलेक्शन लड़ लिए, काउंसलर बन गए, फिर काउंसलर बनते काम करते करते कब यहाँ तक पहुँच गए पता भी नहीं चला। सर, जैसे हमने सुना है कि कई MLA आपसे सीनियर भी थे जो इस पोस्ट के लिए एक आगे आना चाहते थे कैबिनेट मिनिस्टर बनने के लिए, पर ये बाजी आपने मार ली, ये कैसे पॉसिबल हुआ आपके लिए? ये कुछ बाजी मारने वाली बात नहीं होती, मैं वैसे भी बताता रहूँगा। कांग्रेस पार्टी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं और कांग्रेस पार्टी के जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे हाई कमांड है, वो ये देखती रहती है किस आदमी को किस पोटेंशियल को कहाँ पे यूज़ करना है। हमारे सीनियर इतने पोटेंशियल, उनका इतना तजर्बा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी आगे देखेगी, चीफ मिनिस्टर साहब देखेंगे भी किस पोटेंशियल को कहाँ यूज़ करना है। उनको घर पे तो बैठने नहीं दिया जाएगा, उनसे भी उनका काम जो उनसे लेना चाहिए लेंगे। उन्होंने मेरे को ये जिम्मेदारी दी है तो मैं कोशिश करूँगा जिस उम्मीद के साथ ये जिम्मेवारी मेरे को मिली है, मैं उसी उम्मीद को पूरा करूँ। सर, जैसे हम देखते हैं ऑपोजिट पार्टीज़ कुछ ना कुछ बोलती ही रहती हैं, उनकी एक हैबिट होती है, उनकी आदत होती है पॉइंट आउट करने की लीडर्स को, तो अभी हम जैसे देख रहे हैं कि कांग्रेस को बहुत ज़्यादा आजकल पॉइंट आउट किया जा रहा है। वो कहते हैं कि कांग्रेस ने अपने वादे पूरे नहीं किए, वो हमेशा खजाना खाली होने के लिए अपना रोना रोते रहते हैं, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है, मैं ये समझता हूँ। अगर वो पॉइंट आउट नहीं करेंगे तो हम भी कंप्लेसेंट हो जाएंगे और परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हमारी जिम्मेवारियों का एहसास हमें कराते हैं, हम उनके धन्यवादी हैं। हम उनके जैसे बोलेंगे नहीं, हमारा काम बोलेगा। अगर वो खजाना खाली होने की बात दोहरा रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, तो ये उनकी कमज़ोरी, जो 10 साल से पावर में रहे हैं उनकी कमज़ोरी रही है, जो खजाना खाली छोड़ के गए हैं। खजाना भी ठीक किया जाएगा, जो सिस्टम उन्होंने, जो इंस्टीट्यूशंस उन्होंने डिमोलिश कर दी थी उनको दोबारा खड़ा किया जा रहा है। ये एक दिन में होने वाला नहीं है। हमें जो मैंडेट मिला है वो पूरे 60 महीने 5 साल के लिए मिला है, तो अगर जो मैनिफेस्टो है वो एक महीने में लागू हो जाए ये भी नहीं होता। तो धीरे धीरे जो जो हमने वायदे, जो सरकार बनने से पहले हमारे लीडर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने किए थे, वो धीरे धीरे वो सब पूरे हो रहे हैं। तो जब हम लोगों के बीच दोबारा इलेक्शन में जाएंगे, जैसे 2007 में 100% मैनिफेस्टो लागू करने के बाद वो पब्लिक में गए थे, हम फिर यकीन दिलवाते हैं सारे के सारे इश्यूज रिजॉल्व करके जाएंगे। अभी तक आपने पंजाब के लिए, अभी जब से आप इस लाइन में आए, आप कैबिनेट मिनिस्टर बने, आपने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं पंजाब के लिए? फूड मिनिस्ट्री में बहुत रिफॉर्म्स चल रहे हैं। फूड मिनिस्ट्री पहले कैप्टन साहब के पास ही रहा करती थी 1-1.5 साल से, क्योंकि जो सबसे बड़ा आज फाइनेंशियली जो बर्डन पड़ा है वो 31,000 करोड़ का, वो इसी महकमे के थ्रू पड़ा था। तो एकदम से सरकार, पिछली सरकार जाते जाते ऐसा तोहफा दे के गई जिसमें पंजाब एक मतलब दब ही गया 31,000 करोड़ के एक लोन के नीचे। तो इस मिनिस्ट्री में लीकेजेस बंद करना, रिफॉर्म्स लाना, ट्रांसपेरेंसी लाना, ये 1 साल से शुरू हुआ था। हमारे ऑफिसर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नीचे बहुत अच्छी तरह परफॉर्म करते रहे हैं और उसी काम को आगे बढ़ाते हुए हमने भी कोशिश की है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बिल्कुल फुल प्रूफ कर दिया, एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन हो गई है, ई पॉज मशीनें लग गई हैं, आप लोग जाते हैं अपनी उंगली दबा के उसके बाद मिलता है, जो आगे कहा जाता था चोरी होती है अब बिल्कुल नहीं हो रही, और पहले सिस्टम थोड़ा स्लो था, अब धीरे धीरे काम भी करना शुरू हो गया। ऐसे ही जब प्रोक्योरमेंट आती है, हमारी कोशिश रहेगी आने वाले टाइम में हम उसको भी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करके बिल्कुल फुल प्रूफ करें, उसमें भी जो लीकेजेस है वो बंद करें। तो ये चलता रहेगा हमारा प्रोसेस। इसमें जो ट्रांसपोर्टरों की चोरी थी वो पिछले साल बंद हो चुकी है, और उसमें
पंजाब सरकार को काफ़ी 200 करोड़ के करीब फ़ायदा भी हुआ है। ऐसे ये हमारा सिस्टम अपग्रेड होता चला जा रहा है। जैसे अब 2019 में इलेक्शंस आने वाले हैं, तो कांग्रेस किस नज़र से देखती है, आपको क्या लगता है कि कौन हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं? ऑब्वियसली राहुल गांधी। आज लोग समझ चुके हैं, एक धोखा दे के, एक लोगों को ये हवाबाजी से, जुमलेबाजी से जो सरकार बनी, आज 4.5 साल पूरे होने को आए, कुछ भी हो नहीं पा रहा उनसे सिवाय बातों के, तो वो एक्सपोज हो चुके हैं। तो उनकी तो राजनीति एक नफ़रत की राजनीति बन के रह गई है, वो वोटों को पोलराइज करना, उनकी सोच ही ऐसी रह गई। और लोग आज समझ रहे हैं, ना कोई भ्रष्टाचार, ना कोई सिस्टम, जो पुरानी पॉलिसीज चलती आ रही थी उनको नया नाम दे के कंटिन्यू करना और अपना बताना, ऐसा मोदी साहब का शौक बन के रह गया। तो आज जो लोगों को समझ आ चुका है, वो 2019 में अपनी वोटों के ज़रिए बिल्कुल वो साबित करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है और पूरी मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस राहुल गांधी जी की नेतृत्व में सरकार बनाएगी। सर, जैसे आजकल हम देखते हैं लीडर्स के बारे में बहुत कुछ कमेंट किए जाते हैं कि बहुत करप्शन फैल चुका है हमारे देश में, पंजाब का नाम भी कहीं पीछे नहीं रहा, तो आपको, आप हमारे लीडर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि करप्शन से किस वे में वो दूर रहें, या जिससे पंजाब एक खुशहाल देश बन सके? ये करप्शन वाला इशू आज जैसे एक बात बन चुकी है ना, इसमें करप्शन को हटाने में जहाँ लीडरों का है वहाँ पब्लिक का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। इश्यूज रेज होते रहेंगे, लीडर उसको एड्रेस करते जाएंगे, पता चलता जाएगा पॉलिटिकल सिस्टम में कहीं कमज़ोरी है, ब्यूरोक्रेसी में कमज़ोरी है, बाबूगिरी में कमज़ोरी है। आज मैं समझता हूँ इस सरकार में सभी ने अहद लिया हुआ है, कहीं पे कुछ भी कमज़ोरी नज़र आती है उसको दूर करना। एकदम से कुछ भी नहीं हो पाता, जब ऐसी चीज़ें आपकी आपके खून में रच जाएं तो बहुत धीरे 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 उसका डायलिसिस करके इसको क्योर करना पड़ता है। तो वो चल रहा है सिस्टम में, कोशिशें हर मिनिस्टर कर रहा है, सीएम साहब बिल्कुल इसके ऊपर अपनी नज़र रख रहे हैं और कोशिशें जारी हैं, और हम समझते हैं अगले आने वाले 1-2 साल में आपको सुधार बहुत नज़र आएगा। तो सर, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे आजकल के लीडर्स को? मैं तो जनता को मैसेज देना चाहूँगा, क्योंकि हम जनता के बीच में से आए हैं, हमारी ताकत जनता है, जनता जो चाहती है डेमोक्रेसी में वही होता है। जनता प्लस चाहेगी प्लस होगा, माइनस चाहेगी माइनस। अगर वो हमारे ऊपर चेक है, जैसे मैंने डेमोक्रेसी में बोला, अभी अपोजिशन की जो आवाज़ है वो बहुत ज़रूरी रहती है, हमें अपना काम ठीक से करने के लिए उनको देखना। अगर हम इग्नोर करते जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं हम ही कमज़ोर होते जाएंगे। हमें अगर अपने आप को तकड़ा रखना है तो जो भी आवाज़ उठती है बहुत सेंसिबल तरीके से वो सुननी पड़ेगी। सर, जैसे आप फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर हैं, तो आपने जितनी भी योजनाएं अभी तक स्टार्ट की हैं, आई थिंक अभी आम लोगों को उनका फ़ायदा नहीं मिल सका, तो ये कब तक अप्लाई होगा ये सब? आम आदमी का उसको हमारी स्कीम्स का फ़ायदा मिलना शुरू हो चुका है। आज ई पॉज मशीनों से कल शाम तक 25 लाख के करीब हम डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके, टोटल हमारे पास 35 लाख के करीब बेनिफिशरी हैं। अगर हम 25 लाख का कर दें तो ऑलमोस्ट 70% तो हम दे चुके हैं, तो 70% बेनिफिशियरी के पास ई पॉज मशीनों के थ्रू हमने इस बार डिस्ट्रीब्यूशन किया है ये जो वीट की। तो ये चल रहा है और मैं बहुत होपफुल हूँ, इसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में जो फेक बेनिफिशरीज थे जहाँ से लीकेज होती थी वो पकड़े भी जाएंगे, क्योंकि उनको राशन तो दिया नहीं जा सकेगा, तो जो ओरिजिनल आदमी है उनको देंगे, और जो कैपेसिटी बचेगी, जो और बेनिफिशरी जो जिनको मिलना चाहिए, हम उनको भी दे पाने में असमर्थ हो जाएंगे। सर, जो हमने सुना था, आपने एक अनाउंसमेंट की थी कि वही स्मार्ट कार्ड्स के थ्रू सबको राशन प्रोवाइड होगा गरीब लोगों को, तो वो स्कीम क्या शुरू हो चुकी है? हाँ, वही स्मार्ट कार्ड के थ्रू ई पॉज मशीनों द्वारा ही चल रही है। जैसे जैसे बनता डिस्ट्रीब्यूट होता जाता है, बेनिफिशरी हमें आइडेंटिफाई हो रहे हैं, उनके स्मार्ट कार्ड भी इशू होते जाएंगे। सर, और आपको ऐसा क्या लगता है कि आने वाले कितने और टाइम लगेगा इस चीज़ को कवर अप करने के लिए पंजाब में, कि गरीब लोगों को भी हर चीज़ का एक बेनिफिट मिल सके? हर चीज़ में, चाहे वो पेंशन स्कीम्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, जो गरीबों के लिए स्कीम्स बनती हैं, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करके उन तक सही, लोगों तक सही चीज़ पहुंच जाए, ये सरकार का बिल्कुल इस बार
एक वायदा है लोगों के साथ, वो पूरा किया जाएगा और उसकी तरफ ही हर महकमा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करके उसी तरफ ही चल रहा है। थैंक यू सो मच सर। ये थे हमारे साथ भारत भूषण आशुदी, और अभी उनका यह भी मानना है कि सरकार के पास समय बाकी है तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है, और हम भविष्य में देखेंगे कि आशु जी हमारे पंजाब के लिए और क्या क्या नई स्कीम्स लेके आने वाले हैं जिससे पंजाब बहुत ही खुशहाल प्रदेश बन सके। कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा पसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।